शिवपुरी पुलिस के हत्थे चढ़ा पारधी गिरोह का सरगना सूरज पारधी उत्तर प्रदेश में मोस्ट वांटेड 1 लाख रुपए का इनामी था। शिवपुरी महाईवे पर ठेकेदार से लूट और मंदिर में की थी चोरी, सुभाषपुरा पुलिस की टीम ने गाराघाट के जंगल से किया गिरफ्तार। शिवपुरी पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी, जो पुलिस के द्वारा ये डकैती हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी सूरज पारधी को सुभाषपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि अभी हाल ही में थाना सुभाषपुरा में लूट तथा चोरी की 2 बड़ी वारदात घटित हुई थी, जिसमें दिनांक 25 जून 2024 को फरियादी अनिल भारद्वाज दारोन के साथ घटित घटना की थाने पर सूचना देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें लीक कराया गया था कि दिनांक 24 जून 2024 की रात्रि को मैं अपने स्कॉर्पियो जोड़ी से ड्राइवर एवं साथियों के साथ भोपाल से गोहद के लिए जाते समय दिनांक 25 जून 2024 को रात्रि करीब 2:30 बजे गाराघाट अमर नदी पुल के पास पहुंचे तो हमारी गाड़ी के आगे का टायर अचानक पंचर हो गया, जिससे हम लोग नीचे उतरकर टायर चेंज करने लगे। तभी रोड के बाईं तरफ से 4 लोग हाथ में डंडे लिए हुए आए और हम लोगों को अपने साथ जंगल में ले गए। उक्त 4 लोगों द्वारा सोने की चैन, सोने की अंगूठी, 2 एवं 1 लाख रुपए नकद लूट कर ले गए। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा पर अपराध क्रमांक 129/2024 धारा 392 भादी का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार दिनांक 26 जून 2024 को फरियादी श्यामदास महाराज निकासी सानकरे वाले हनुमान मंदिर द्वारा थाना सुभाषपुरा पर रिपोर्ट किया गया कि मैं सानकरे वाले हनुमान मंदिर पर महंत हूँ। दिनांक 24/25 की रात 2024 की रात्रि में लगभग 3 से 4 बजे के बीच बाहर सो रहे मेरे सेवक के 6,000 रुपये व मंदिर का DVR कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना सुभाषपुरा पर अपराध क्रमांक 132/2024 धारा 380 भादी का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। उक्त दोनों घटनाओं के संज्ञान में आते ही पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद कुमार सक्सेना एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज कृष्णा वैणी देशावतु द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के द्वारा घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करते हुए उक्त प्रकरण में घटना का खुलासा कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करते हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी सुभाषपुरा राजीव दुबे द्वारा उक्त दोनों घटनाओं को चैलेंज के रूप में लेते हुए घटना से जुड़े तथ्यों को बारीकी से जांचा गया एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर थाना प्रभारी सुभाषपुरा एवं उनकी टीम द्वारा घटना के आरोप की तलाश ग्राम धोलागढ़, करई, कैरव, नयागांव, सेवड़ा, गोपालपुर, पटेवरी, कुंवरपुर, मुड़ेरी, सिंह निवास में की गई। इसके बाद सुभाषपुरा पुलिस द्वारा सानकर वाले हनुमान मंदिर के जंगलों में जंगल सर्चिंग करती हुई मुखबिर दिनांक 3 जुलाई 2024 को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि गाराघाट रोड किनारे एक व्यक्ति कट्टा लिए कोई घटना करने की नियत से घूम रहा है। उक्त सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सुभाषपुरा पुलिस टीम के साथ गाराघाट पर पहुंचे व मुखबिर द्वारा बताए व्यक्ति की तलाश की गई तो उक्त व्यक्ति रेस्ट हाउस के पास पुरानी रोड पर जाता मिला, जिसे घेर कर नाम पता पूछने पर अपना नाम सूरज पारधी पुत्र अनारत पारधी उम्र 48 साल निवासी ग्राम सेवड़ा थाना सुभाषपुरा का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक 315 बोर का लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा राउंड एवं 27,500 रुपये नकद मिले। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाना सुभाषपुरा पर धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त आरोपी से पूछताछ करने पर बताया गया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना सुभाषपुरा क्षेत्र में घटित उक्त दोनों चोरी एवं लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी सूरज पारधी द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज थाना कोतवाली क्षेत्र में इन व्यापारियों के बिमलेश चंद्र तिवारी के घर में दिनांक 29/6/2023 में की गई सनसनीखेज डकैती वारदात को स्वीकार किया गया, जिसमें आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर लोगों को बंधक बनाकर डकैती करके 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 7 लाख रुपए नकद व एक लाइसेंसी रिवॉल्वर ले जाने पर थाना कोतवाली कन्नौज में अपराध क्रमांक 446/23 धारा 395 भादी का पंजीकृत किया गया था। आरोपी पर अति पुलिस महानिदेशक कानपुर द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार किया गया आरोपी सूरज पारधी अत्यंत शातिर किस्म का कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या प्रयास, लूट, डकैती, चोरी जैसे गंभीर अपराधों के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में कुल 22 अपराध पंजीबद्ध होकर यह अंतर्राज्यीय आरोपी को साहस पूर्वक एवं कुशलता से गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी सुभाषपुर राजीव दुबे प्रहार, महेश दत्त शर्मा प्रहार, अभय सिंह, आर संजय जाट, आर काले खान, आर विमल मोरे, आर धर्मेंद्र शर्मा, आर देवेंद्र धाकड़ एवं आर चालक सोनू की सराहनीय भूमिका रही है। और बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने के खुलासे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम एक अपराधी पर घोषित किया गया है, जिसको सुभाषपुरा थाना पुलिस की टीम ने पकड़ा है। इसकी डिटेल्स इस प्रकार है, हमारे यहाँ पे 24-25 जून की दरमियानी रात को एक लूट की घटना हुई थी। अनिल भारद्वाज हैं, ये PWD के ठेकेदार हैं और मालदपुर में इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। ये अपनी टीम के साथ लौट रहे थे भोपाल से, तो लगभग 2:30-3 बजे इनकी गाड़ी पंचर की गई। पंचर करके 4 बदमाशों ने इनके साथ लूट कारित की, 1 लाख रुपए, 2 अंगूठी और इनकी सोने की चेन लूट ली गई। उसी रात को पास में एक सांकड़े का हनुमान मंदिर है, वहाँ भी मंदिर में चोरी की गई थी और DVR भी बदमाश उठा के ले गए थे। क्योंकि दोनों बहुत बड़ी घटनाएँ थी, तो हमारी टीम्स इसमें लगी थी अलग अलग प्रकार से साक्ष्य संकलित करने में।
आईजी सर, डीआईजी मैम, इन्होंने भी निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। तो इन निर्देशों के पालनार्थ हम लोग अपना मुखबिर सूचना संकलन कर रहे थे, और साथ ही एक और बहुत बड़ी जो यूपी में वारदात हुई थी 29 जून 2023 को, वहाँ के एक इत्र व्यापारी हैं विमलेश तिवारी, उनके घर पे 9-10 डकैतों ने डकैती डाली थी, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए के उनके जेवर गए थे। कन्नौज कोतवाली में ये एफआईआर हुई थी और उनकी लाइसेंसी राइफल चली गई थी और लगभग 8 लाख रुपए नगद चुराए गए थे। तो यूपी की एसटीएफ, वहाँ की पुलिस टीम्स भी उस केस पे लगी हुई थी। कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हो गए थे और जो मुख्य सरगना है सूरज पारदी, वो लंबे समय से यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। कई बार उनकी टीम भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने हमको भी पत्र लिखे थे, चूँकि आरोपी यहाँ के रहने वाला था। आज सुबह सूचना मिली हमारी टीम को, सुभाषपुरा थाना प्रभारी की टीम को, इन्होंने आसपास के पूरे क्षेत्र में सर्चिंग की तो गाराघाट के पास में इन्होंने आरोपी को पकड़ा। सूरज पारदी आरोपी का नाम है, उम्र लगभग 45 वर्ष है, पिता का नाम अनारद पारदी है, सुभाषपुरा के पास में सेवड़ा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के पारदी समुदाय से आता है। इस पर लगभग 22 अपराध हैं, 22 अपराध में डकैती, नकबजनी, लूट, चोरी, सभी प्रकार के अपराध हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड भी हमने दिया है। और इस पर एडीजी कानपुर श्री आलोक सिंह साहब द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम हाल ही में बढ़ा करके, पहले कम था पर क्योंकि लंबे समय से फरार चल रहा था तो 1 लाख रुपए का इनाम उन्होंने 30 जून को घोषित किया था, और ये यूपी पुलिस द्वारा जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी लिस्ट में था। तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा इसमें मेहनत की है, और कन्नौज के एसपी साहब से भी मेरी बात हुई है, शीघ्र ही उनकी टीम आकर भी इसकी फॉर्मल गिरफ्तारी करेगी और हो सकता है वहाँ के अन्य अपराधों में भी इसकी संलिप्तता निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।